हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट वेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे किसी भी गंभीर धारा में आपके ऊपर FIR हो गई या स्पेशल अगर बात कर ली जाए तो धारा 376 IPC या वर्तमान समय में अगर बात कही जाए तो धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता, ऐसी धारा में अगर आपके खिलाफ फर्जी FIR हो गई और आप फरार हो गए, भाई जाहिर सी बात है अगर आप पुलिस को मिलोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, तुरंत जेल भेज दिए जाओगे। जेल भेजने के बाद की प्रक्रिया भी बताया हूँ, कितने दिन में बेल होगी, कब होगी, कितना पैसा खर्चा होगा। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि बार बार पुलिस घर पे छापा मार रही है, वर्किंग प्लेस पे छापा मार रही है, घर वालों को परेशान कर रही है, घर वालों को फ़ोन करती है, धमकी देती है या सरेंडर कराने के लिए बोलती है। कहने का मतलब ये कि पुलिस अपनी सारी जद्दोजहद कर रही है, अब घर वाले परेशान हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि अभियुक्त कहाँ फरार है, कहाँ भाग गया है। कुछ घर वालों को मालूम भी रहता है लेकिन वो सरेंडर नहीं कराते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं अगर केस फर्जी है तो जेल जाने से पहले अभियुक्त जो कर सकता है, चाहे वो क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे लेने की प्रक्रिया हो या फिर एंटीसिपेटिक बेल लेने की प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, जो वो कर सकता है फरार रहते वो तो वो करेगा ही करेगा। और फर्जी केस है तो उसको राहत मिलेगा ही मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि जब थाने का या विवेचक का, इंस्पेक्टर का प्रेशर बनने लगे गिरफ्तार करने का या फिर सरेंडर कराने का, घर वालों पे प्रेशर ये बनने लगे कि उसको सरेंडर करा दो नहीं पूरा घर नीलाम कर दूंगा, कुर्की करवा दूंगा, इस तरीके की बात जब विवेचक कहे तो आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए या आपको क्या परेशानी हो सकती है। आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है। कहने का मतलब ये कि जब भी विवेचक का फोन आए या जब भी विवेचक घर में आके गाली गलौज करे, धमकी दे, ध्यान रखें धमकी देना, गाली गलौज करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अगर वो गाली दिया उसकी बातों को रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए, जो भी आप कर सकते हैं उसकी शिकायत करिए, क्योंकि जो अभियुक्त है उसके साथ जो करना चाहिए वो कर सकता है विवेचक, बाकी घर वालों के साथ, बाकी घर वालों पे वो न अत्याचार कर सकता है, न गाली गलौज कर सकता है, न धमकी दे सकता है, न बदतमीजी कर सकता है, ये उसकी शिकायत करने पर वो सस्पेंड हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वास्तव में कुर्की नीलामी हो सकती है, NBW हो सकता है? तो देखिए, NBW और 82 होने तक हो सकता है आपका स्टे भी हो जाएगा, हो सकता है आपका एंटीसिपेटिक बेल भी हो जाएगी अगर आप टाइम पे लगे हैं तो। अब सवाल इस बात का है कि मान लिया जाए वास्तव में 82 हो गया या NBW 82 हो चुका है मान लीजिए, तो क्या होगा? घर की नीलामी हो जाएगी, कुर्की हो जाएगी? तो आप समझो नीलामी की प्रक्रिया या कुर्की की प्रक्रिया बहुत ही टफ होती है, कठिन होती है, मजिस्ट्रेट उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात ये कि जब अभियुक्त जो है उसके नाम पे कोई संपत्ति होगी तो उसी की संपत्ति की नीलामी कुर्की जब्ती होगी, ऐसा नहीं है कि पूरे खानदान को ही नीलाम कर दिया जाए। खानदान ने कोई अपराध नहीं किया है, अगर किया है तो, यहाँ तो बात यह है कि मैंने अपराध ही नहीं किया है, फर्जी FIR है, फर्जी केस है, कोई एविडेंस नहीं। कहने का मतलब, खैर एविडेंस वगैरह तो ये ट्रायल का मामला होता है, लेकिन प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, भाई जो अभियुक्त का होगा वही ना कुर्की होगा कि घर के सभी चीजों को कुर्क कर दिया जाएगा, घर की सारी चीजों को नीलाम कर दिया जाएगा, घर के सभी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए और कभी भी पुलिस की बात में आकर सरेंडर नहीं कराना, इसलिए कि प्रेशर कितना भी बनाए पुलिस वो आपको
छू नहीं सकती है, यानी कि अभियुक्त को अगर नहीं पाएगी, अभियुक्त को ही गिरफ्तार कर सकती, बाकी किसी को नहीं बैठा सकती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, मान लिया जाए अभियुक्त के पिता को ले जाकर थाने बैठा ली, कैसे बैठा लेगी भाई? अगर बैठा लेती है तो कुछ ना करो, एक दिन इंतजार करो, दूसरे दिन कमिश्नर ऑफिस या SSP ऑफिस चले जाओ, सीधे उसकी शिकायत कर दो कि कल से बैठाए हैं, उनका अपराध क्या है आप बताइए। आप तुरंत फोन करिए या थाने के CCTV कैमरे में देखिए उनको कब ले आया गया और क्यों ले आया गया, ये कारण बताए पुलिस, तो हालत का बिगड़ जाएगी। देखिए एक एक चीज का रास्ता होता है, लेकिन कार्रवाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।